दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मलिक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। टॉपिक हमारा रहेगा, अगर आप बीए करने की सोच रहे हैं या आप बीए कर रहे हैं, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से जॉब मिलेगी, क्या आपको बीए के साथ साथ करना चाहिए, किन सब्जेक्टों से आपको बीए करनी चाहिए, सभी जानकारी आज की वीडियो में मिलेंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें अगर आप बीए के बाद एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो। देखिए, आपने अगर बीए आप कर रहे हैं तब तो आपने जो सब्जेक्ट है वो चुन लिए अपने लिए। जैसे कि आप बीए करते हैं तो आपको तीन सब्जेक्ट जो है वो अपने लिए सेलेक्ट करने होते हैं। तो आपने अगर बीए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तब तो आपने वो सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट कर रखे, तो आप उन्हीं सब्जेक्टों से अपना बीए कंप्लीट करें। और जो स्टूडेंट इस तरीके के हैं जिन्होंने अभी अपना 12th कंप्लीट किया है और वो बीए करना चाहते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि वो इस तरीके के सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करें, चाहे वो आपके लिए थोड़े चैलेंजिंग हो। ये ना सोचे कि हमें बीए कंप्लीट करनी है, हम इस तरीके के सब्जेक्ट ले लें कि बस हमारा बीए कंप्लीट हो जाए, हमें डिग्री मिल जाए, ये सोच के आपको बीए नहीं करनी। अगर ये सोच के आप बीए करेंगे तो फिर आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो आप अगर अपना 3 साल लगाना चाहते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं बीए में, तो वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें जो आने वाले 3 साल बाद आप अगर बीए करके निकलते हैं तो वो आपको जॉब दिला पाए, इस तरीके के सब्जेक्ट। देखिए, बीए अगर आप कर रहे हैं, सब्जेक्ट आप जानना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट से आप ये सब्जेक्ट जरूर रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो इंग्लिश की डिमांड बहुत ज्यादा है। मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है और आपके पास डिग्री नहीं है तब भी आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंपनी में। तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को जरूर अपने बीए में ऐड करें, उसके बाद आप देखें कि आपकी पकड़ किस सब्जेक्ट पे, आप कोई और सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, आप हिस्ट्री सब्जेक्ट ले सकते हैं, इस तरीके के जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड थर्ड सब्जेक्ट, वो भी आप इस तरीके का सब्जेक्ट रखें, आप इंग्लिश जो है वो अपने सब्जेक्ट में जरूर इनमें ऐड करें, इसके बाद आप अपना बीए कंप्लीट करते हैं। जैसे ही आपका बीए आप थर्ड ईयर में है या सेकंड ईयर में, यहाँ पे देखिए एक सच्चाई है कि आपके पास अगर टेक्निकल, चाहे कोई डिप्लोमा है या आपने कोई कोर्स किया है, तब आपको जॉब मिलने में आसानी होती है, क्योंकि आप अकेले बीए की डिग्री लेके जाएंगे, चाहे आपके उसमें किसी भी तरह की परसेंटेज है, तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत होगी। एक अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, एक स्टूडेंट ने अपना बीए नॉर्मल कंप्लीट किया हुआ है, एक स्टूडेंट ने बीए करने के साथ साथ उनको अगर टेक्निकल नॉलेज है, उन्होंने कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, तो उनको जॉब मिलने में आसानी होगी बजाय आपके। तो आपको जब आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, आपका थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया है, इसके साथ आपको क्या करना है कि आपको कोई भी कोर्स करना है, जैसे कि काफी कंप्यूटर के कोर्स कराए जाते हैं, एग्जांपल ले लें हम, कंप्यूटर के बेसिक कोर्स कराए जाते हैं जिसमें आपको सिखाया जाता है एमएस ऑफिस के बारे में, जिसमें आप एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है उसमें काफी उसके पार्ट होते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इस तरीके की उसमें पढ़ाया जाता है, तो वो आप सीख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स में। आप अपना इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अच्छा होना चाहिए। आपकी टाइपिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको देखना है कि आपको किस तरह की जॉब पानी है। अगर आप एक अच्छे ऑफिस में कंप्यूटर पे अगर आप काम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको एक अच्छे ऑफिस में जॉब मिलेगी, जो अच्छी एक सिटिंग की जॉब होगी, क्योंकि जो आप बीए करते हैं उसके साथ साथ अगर आप कोई कोर्स करते हैं, आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, तो ऑप्शन काफी ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने पर्टिकुलर भी इन सब्जेक्टों पे वीडियो बना रखी है कि आप अगर ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आप एचआर डिपार्टमेंट में जॉब पा सकते हैं, आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब पा सकते हैं, आप ऑफिस असिस्टेंट की जॉब पा सकते हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव की आप जॉब पा सकते हैं। तो इस तरीके की काफी जॉब है जो एक अच्छी, जिनकी सिटिंग होती है अच्छे एनवायरमेंट में, उनकी जॉब होती है, तो ये सब जॉब जो है वो पा सकते हैं। तो आपको ये करना होगा कि एक सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से सेलेक्ट करें, अच्छे से वीडियो वगैरह देख के, या जिन लोगों ने पहले कंप्लीट किया है अपना बीए, किन सब्जेक्टों से उन्होंने कंप्लीट किया है फिर उनको जॉब मिली है, वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे। और टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यानी कि कोई कंप्यूटर कोर्स आपने किया हो जिसमें आपको अच्छी नॉलेज हो, और ऐसे नहीं कि कोर्स कर लिया है आपने 6 मंथ का 8 मंथ का 1 ईयर का, बस कोर्स कर लिया कोर्स के नाम पे नहीं। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन पे काम करना आना चाहिए, मेल वगैरह किस तरीके से भेजना है, मेल का किस तरीके से रिप्लाई करना, किस तरीके से हमें मेल टाइप करना है, हमें कोई लेटर वगैरह अगर टाइप करना है या
कोई हमें पेपर स्कैन करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, ये सभी जानकारी हमें बेसिक जानकारी जो है वो होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। जॉब की कमी नहीं है, जॉब काफी है, चाहे आप किसी भी सिटी में चले जाएं आपको जॉब मिल जाएगी, मगर जॉब पाना आपका काम है, वो आपकी क्वालिफिकेशन पाएगी, आपकी नॉलेज पाएगी जॉब। तो ये सब नॉलेज अगर आपको है तो आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता, तो आप इनको अच्छे से अपना बीए कंप्लीट करें और उसके साथ साथ कोर्स करें। बाकी कोई और जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन स्टूडेंटों के पास शेयर करें जिन्होंने अभी अपना ट्वेल्थ कंप्लीट किया है, उनके अगर वो बीए करना चाहते हैं तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे हम फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं किसी कोर्स रिलेटेड किसी जॉब से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।